तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हुमायज अली और आप देख रहे हैं यू नीड टू नो यूट्यूब चैनल। आज की ये जो वीडियो है, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें क्लियर कर दूँ कि अगर आप लोग जो है वो 30,000 की रेंज में एक अच्छा खासा सैमसंग का मोबाइल फ़ोन बाय करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आप लोग नहीं ऐसा मतलब मोबाइल चाहते तो इस वीडियो को अभी आप बंद कर सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को जो है एक बात यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि मेरी कुछ मेडिकल कंडीशन जो है वो ठीक नहीं, तो इस वजह से मैं नेक्स्ट वीडियो नहीं बना पाऊँगा कुछ दिनों के लिए। जब मैं पूरा रिकवर हो जाऊँगा तो इंशाल्लाह उसके बाद दोबारा से रेगुलरली वीडियो शुरू होंगी। इसके लिए मुझे सपोर्ट करते रहना और प्यार बांटते रहना। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ J8 के बारे में बात करता हूँ, J8 2018 के बारे में। टाइम्स आया कि ये खड़ी है शुरुआत। यहाँ पर तो सबसे पहले आप लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी के साथ जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप आइंदा इस चैनल से कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि एक बजट स्मार्टफोन की। अब बजट जो है वो आप लोगों का तकरीबन 30,000 अगर 32,000 30-32,000 तक है और आप लोग सैमसंग का मोबाइल फोन बाय करना चाहिए। अब यहाँ पर जो है वो मार्केट्स में आप लोगों को ओप्पो के सेल फोन मिल जाएंगे, हुआवे के सेल फोन मिल जाएंगे, लेकिन अब आप लोगों का दिल करता है कि आप लोगों को सैमसंग का मोबाइल फोन मिले क्योंकि सैमसंग जो है वो एक काफी बेहतरीन जो है वो कंपनी है, इन सब कंपनी से ऊपर है। तो आप लोगों को मतलब यही लगता है कि आप लोगों को जो है वो सैमसंग का मोबाइल फोन बाय करना चाहिए। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं और आप लोगों के पास इतना बजट है तो आप लोग जो है वो ये वीडियो पूरी लास्ट तक देखिए। यहां पर बात करने जा रहा हूं मैं J8 के बारे में। तो J8 बेसिकली में जो है वो आप लोगों को 2018 के अंदर न्यू मॉडल न्यू शेप के अंदर मिलता है। यहां पर सबसे पहले मैं उसकी रेजोल्यूशन उसकी स्क्रीन के बारे में बात कर लूं तो आप लोगों को एक इन्फिनिटी डिस्प्ले के साथ उसकी जो है वो स्क्रीन मिल जाती है, 6 इंचेस की आप लोगों को डिस्प्ले मिल जाएगी। और अगर रेजोल्यूशन की बात करूं तो 720p उसकी रेजोल्यूशन है। यहीं पर अगर मैं बात कर लूं उसके बैक की तो बैक पर आप लोगों को यहां पर ड्यूल सेटअप मिल जाता है कैमरे का और उसी के नीचे आप लोगों को फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। अब बात कर लूं कैमरा की स्पेसिफिकेशन के बारे में, एक कैमरा आप लोगों को 16 मेगापिक्सल का मिल जाएगा और आप लोगों का जो दूसरा कैमरा है वो 5 मेगापिक्सल का मिल जाएगा, यानी टोटल जो है वो आप लोगों को 21 मेगापिक्सल के आप लोगों के कैमराज मिल जाएंगे। साइड पर आप लोगों को जो है वो आपका LED फ्लैश मिल जाएगा और नीचे आप लोगों का फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा। अब यहां पर मैं डिजाइन की बात करूं तो काफी मतलब एक अच्छे तरीके से उसको डिजाइन किया गया और एक काफी ग्लॉसरी लुक जो है सेल फोन हमें प्रोवाइड कर रहा है। आप लोगों को इन्फिनिटी डिस्प्ले भी प्रोवाइड कर दी गई है और साथ ही साथ आप लोगों को ड्यूल कैमरा सेटअप भी दिया गया है। फ्रंट साइड की बात करूं तो फ्रंट पर आप लोगों को जो है वो जो फ्रंट कैमरा है आप लोगों का वो 16 मेगापिक्सल का मिल जाएगा जो कि काफी ज्यादा है सैमसंग के जो है वो अगर प्रीवियस मोबाइल फोन्स को आप देखें तो सैमसंग ने जो है वो J8 2018 के अंदर आप लोगों को 16 मेगापिक्सल का जो है वो फ्रंट पर कैमरा प्रोवाइड किया है जिससे आप अपनी बेहतर सेल्फीज ले सकते हैं। अब यहां पर बात कर लेता हूं इसकी हार्डवेयर के बारे में। तो हार्डवेयर के बारे में बात करूं तो 1.8 GHz का आप लोगों को इसके अंदर वो प्रोसेसर मिल जाएगा। चिपसेट की बात करूं तो स्नैपड्रैगन 450 आप लोगों को चिपसेट मिल जाएगी। अब यहां पर बड़ी बात लोगों के दिमाग में ये होती है कि इसकी रैम कितनी, इसकी मेमोरी कितनी है। तो इसकी 4GB रैम है और 64GB बिल्ट इन मेमोरी है। बात करूं मेमोरी कार्ड की तो मेमोरी कार्ड भी आप लोग इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, 256GB तक ड्यूल सिम भी आप लोगों को मिल जाती है। मतलब ओवरऑल एक जो सेल फोन है वो काफी अच्छे से, अगर डिजाइन की बात करूं तो काफी अच्छे से डिजाइन किया गया है, काफी अच्छी उसके अंदर आप लोगों को स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड की गई हैं जिससे आप जो है वो काफी अच्छा फायदा उठा सकते हैं। एक बजट स्मार्टफोन है, आप लोगों को मतलब इतने ज्यादा भी नहीं है पैसे ना ही इतने ज्यादा कम है, तो सेल फोन जो है वो आपके बजट में है और एक बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से सेल फोन जो है वो आप लोगों को सैमसंग ने प्रोवाइड किया है। अब बात कर लेता हूं मजीद इसकी बैटरी के बारे में। तो 3500 mAh की आप लोगों को बैटरी मिल जाएगी। में अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ये चीज इसके अंदर ज्यादा पसंद है कि आप लोगों को बैटरी इसके अंदर जो है वो 3500 mAh की प्रोवाइड की गई है। नॉर्मली आप लोगों को 3000 mAh की अराउंड अबाउट इतनी जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है, लेकिन इसके अंदर आप लोगों को 3500 mAh की बैटरी प्रोवाइड की गई है जो कि काफी अच्छा है। और अगर मैं बात करूं इसके सॉफ्टवेयर की तो सॉफ्टवेयर आप लोगों को जो है वो ऑडियो मिल जाएगा जो कि इस वक्त जो है वो चल रहा है हर एक सैमसंग के सेल फोन में जो 2018 वाले। आगे बात किया गया सेल फोन काफी अच्छा है मेरे लिहाज से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, सेल फोन अच्छा लगा है तो आप लोग जो है वो थोड़ा सा वेट कर लें तो पाकिस्तान में आप लोगों को ये सेल फोन जल्दी ही मिल जाएगा, आप लोग इसको बड़ी आसानी से बाय कर सकेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, वीडियो पसंद नहीं आए तो वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके जाइएगा और इसी तरह की जो है वो अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। अब मैं मिलूंगा आप लोगों से काफ़ी मतलब कुछ दिनों के बाद, तब तक आप लोग सपोर्ट करते रहिए।
आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने वालदन का ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज, एंड लेट मी टेल यू वन थिंग गाइस, दैट यू आर ऑसम। अब ये वीडियो तो खत्म होगी, नीचे जो है वो इंस्टाग्राम का लिंक है, मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पर मैं अपडेटेड रहता हूँ, लेकिन अब रहूंगा कुछ दिन के बाद, तो लास्ट तक देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।